भारत के 10 सबसे अमीर राजनेता कौन से हैं? अक्सर कहा जाता है कि पैसा कमाने का सबसे अच्छा साधन राजनीति है, और ऐसा देखा भी गया है कि राजनीति में कदम रखते ही इंसान की किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है, उसके ऊपर नोटों की बारिश होने लगती है। अब ये पैसा आता कहाँ है, इस बारे में तो हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी नेता राजनीति में आने के बाद ही अमीर बनते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत के टॉप 10 राजनेताओं के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के 10 सबसे अमीर राजनेता कौन से हैं? अक्सर कहा जाता है कि पैसा कमाने का सबसे अच्छा साधन राजनीति है, और ऐसा देखा भी गया है कि राजनीति में कदम रखते ही इंसान की किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है, उसके ऊपर नोटों की बारिश होने लगती है। अब ये पैसा आता कहाँ है, इस बारे में तो हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी नेता राजनीति में आने के बाद ही अमीर बनते हैं। कई ऐसे राजनेता भी हैं जिनके पास बेशुमार संपत्ति है। कई राजनेताओं के पास तो इतना पैसा है कि उनकी संपत्ति के बारे में सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे अमीर राजनेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 10, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री माने जाते हैं। वे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे हैं और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के संस्थापक भी हैं। साल 2009 में लोकसभा चुनाव में जीतकर जगनमोहन ने अपने राजनीतिक करियर की औपचारिक शुरुआत की। 2014 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की, जिसके बाद वे सदन में नेता प्रतिपक्ष चुने गए। साल 2019 में उनकी पार्टी ने प्रदेश में सरकार बनाई और आज उनकी गिनती देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में की जाती है। वे प्रदेश में विकास के लिए एक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी की कुल संपत्ति 510 करोड़ है, जिनमें उनके पास 443 करोड़ की चल संपत्ति है और करीब 67 करोड़ की अचल संपत्ति। नंबर 9, नकुलनाथ। नकुलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। नकुलनाथ ने साल 2019 में एमपी के छिंदवाड़ा जिले से लोकसभा चुनाव लड़ा और इस दौरान उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का आंकड़ा 660 करोड़ बताया। नकुलनाथ पूरे राज्य में एकमात्र ऐसे कांग्रेस नेता थे जिन्होंने जीत दर्ज की थी। 2019 के चुनाव में 29 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं कांग्रेस केवल एक सीट पर ही अपनी जीत का परचम लहरा पाई और इस जीत का पूरा श्रेय नकुलनाथ को ही जाता है। नंबर 8, जयदेव गल्ला। जयदेव गल्ला आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से लोकसभा सांसद है। 2014 में उन्होंने राजनीति में अपना डेब्यू किया और तेलुगु देशम पार्टी से टिकट पाकर जीत दर्ज की। साल 2019 में एक बार फिर उन्होंने गुंटूर से चुनाव लड़ा और जीत कर लोकसभा में अपनी जगह बनाई। साल 2018 में जुलाई में होने वाले मानसून सत्र में जयदेव गल्ला नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, जिस कारण उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। जयदेव गल्ला की कुल संपत्ति 683 करोड़ है और वे सबसे अमीर लोकसभा सांसद माने जाते हैं। वे एक राजनेता होने के साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और अमारा राजा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये कंपनी अमारो बैटरीज बनाने के लिए जानी जाती है। नंबर 7, अभिषेक सिंघवी। अभिषेक सिंघवी का पूरा नाम अभिषेक मनु सिंघवी है, जो एक राजनेता होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता भी है। साल 2018 तक इनकी कुल संपत्ति 649 करोड़ थी, जो आज के समय में बढ़कर 860 करोड़ हो गई है। अभिषेक सिंह भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक नेता हैं और साल 2018 में पश्चिम बंगाल से उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया। इससे पहले वे दो बार राजस्थान से भी राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। वर्तमान समय में वे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। नंबर 6, रविंद्र किशोर सिन्हा। रविंद्र किशोर सिन्हा न सिर्फ एक राजनेता है बल्कि एक वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी के तौर पर भी जाने जाते हैं। सन 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने सीमा पर जाकर रिपोर्टिंग की। रविंद्र किशोर सिन्हा ने सन 1974 में सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज नाम की कंपनी की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने रिटायर्ड फौजियों को नौकरी देने की शुरुआत की। आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से भी अधिक है। रविंद्र किशोर सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने साल 2014 में बिहार से राज्यसभा सांसद बनाया और साल 2020 तक वे राज्यसभा के सांसद रहे। आज उनकी कुल संपत्ति करीब 900 करोड़ बताई जाती है। नंबर 5,
जया बच्चन। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपने सफल फिल्मी करियर के बाद साल 2004 में उन्होंने राजनीति में एंट्री ली। उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और तब से लेकर आज तक वो राज्यसभा की एक्टिव सांसद के रूप में जानी जाती है। फिलहाल जया अपना चौथा कार्यकाल पूरा कर रही है। बच्चन खानदान से ताल्लुक होने के कारण जया बच्चन के पास बेशुमार संपत्ति है। उनकी नेटवर्थ करीब 1,001 करोड़ रुपए है। जया बच्चन की हिट फिल्मों में उपहार, कोरा कागज, जंजीर, अभिमान, चुपके चुपके, शोले, कभी खुशी कभी गम एंड कल हो ना हो जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। साथ ही उन्हें सन 1992 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 4, अल्लाह अयोध्या रामी रेड्डी। अयोध्या रामी रेड्डी की कुल संपत्ति 2577 रुपए के आसपास है और वर्तमान समय में वे भारत के दूसरे सबसे अमीर सांसद भी माने जाते हैं। साल 2020 में उन्हें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद भेजा था, लेकिन अयोध्या रामी रेड्डी ने जो पैसा कमाया वो राजनीति से नहीं बल्कि वो एक महान उद्योगपति है और रामकाय ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है जो धीरे धीरे कई क्षेत्रों में अपना काम फैला चुकी है। हमारी आज की लिस्ट में टॉप 3 में से 2 नाम एक ही परिवार के हैं। अगर आप उस परिवार के सदस्यों के नाम जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमें बता सकते हैं और जो लोग नहीं जानते वे हमारे साथ बने रहे। नंबर 3, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। आज के समय में वे देश के एक सबसे अमीर मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन साल 2020 में उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली और एनडीए की सरकार में वो फिलहाल नागरिक उद्योग मंत्री के पद पर नियुक्त हैं और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी। कांग्रेस सरकार में सिंधिया केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2020 में सिंधिया ने हलफनामे में अपनी संपत्ति करीब 3.5 करोड़ रुपए बताई, लेकिन उनके महलों और राजघराने के संपत्ति को मिलाकर सिंधिया की कुल संपत्ति 10,418 करोड़ है। नंबर 2, नवीन जिंदल। नवीन जिंदल वर्तमान समय में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। वे जिंदल ग्रुप के संस्थापक ओपी जिंदल के सबसे छोटे बेटे हैं और उनके जिंदल समूह के वर्तमान चेयरपर्सन सावित्री जिंदल उनकी माँ है। नवीन जिंदल की कुल संपत्ति 29,652 करोड़ रुपए है और उनका नाम भी अरबपतियों की सूची में शामिल है। नवीन जिंदल कांग्रेस पार्टी के राजनेता है। 14वें और 15वें लोकसभा चुनाव के दौरान नवीन जिंदल ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 10 सालों तक वे लोकसभा के मेंबर रहे। फिलहाल नवीन जिंदल ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि नवीन जिंदल एक प्रोफेशनल शूटर भी है और उनके नाम नेशनल रिकॉर्ड्स भी दर्ज हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नवीन जिंदल ने ढेरों पदक अपने नाम किए हैं। 2004 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम भी उन्होंने रोशन किया। नंबर 1, सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर राजनेता है। उनकी कुल संपत्ति सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। हालिया आंकड़ों के मुताबिक सावित्री जिंदल की नेटवर्थ 1,29,178 करोड़ रुपए है। वो भारत की सबसे अमीर महिला है और देश के अमीर लोगों में वो 7वें पायदान पर है। फोर्ब्स ने सावित्री को दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में 91वें स्थान पर रखा है। सावित्री जिंदल इस समय जिंदल समूह की अध्यक्ष है। जिंदल ग्रुप स्टील, पावर, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करता है। सावित्री जिंदल इस ग्रुप के संस्थापक ओपी जिंदल की पत्नी है। ओपी जिंदल की 2005 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद सावित्री जिंदल ने जिंदल ग्रुप के अध्यक्ष का पदभार संभाला। साथ ही उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। हरियाणा के हिसार में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट से विधानसभा चुनाव जीता और मंत्रिमंडल में भी अपनी जगह बनाई। तो दोस्तों, ये है भारत के 10 सबसे अमीर राजनेता। यकीनन इनकी संपत्ति जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। आप भी राजनीति में अपना करियर बनाने के बारे में विचार कर रहे होंगे, लेकिन राजनीति में पैर जमाना और पैसे कमाना इतना आसान नहीं। इसीलिए तो हम आपको यही सलाह देंगे कि ईमानदारी के साथ आप जो भी काम अभी कर रहे हैं वही करते रहें, क्योंकि राजनीति एक ऐसा गंदा खेल है जो इंसान को अर्श से फर्श तक ले जाती है तो वही एक ही पल में जमीन पर लाकर पटक भी देती है। आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद। राम राम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें।